वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज हम बात करेंगे अपकमिंग 2021 यामा MT125 की लॉन्चिंग डिटेल। यामा MT15 मोस्ट पॉपुलर बाइक है 150cc सेगमेंट में, बट इस बाइक का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। बट यामा MT125 मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है MT सीरीज में। 2021 यामा MT125 का आज मैं आपको फर्स्ट लुक दिखाऊंगा। ये रिव्यू बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है, तो इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए। अगर फर्स्ट थिंग, अगर इस बाइक में आप नोटिस करेंगे इसका न्यू कलर अपडेट, 2020 में इसमें आपको आइस फ्लू कलर देखने को मिलता था, 2021 में इसमें आपको स्ट्रोम फ्लू कलर देखने को मिल जाएगा। 2021 यामा MT15 में भी आपको सेम कलर देखने को मिलेगा, स्ट्रोम फ्लू कलर, जल्द इंडियन मार्केट में। 2021 यामा MT125 में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, प्राइस कितना देखने को मिलेगा, एंड इस बाइक का इंडियन मार्केट में लॉन्च कब होगा, सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए। अगर आप यामा MT125 को KTM ड्यूक 125 के साथ कंपेयर करेंगे, यामा MT125 में आपको मोर एडवांस फीचर एंड इसका प्राइस भी आपको काफी लो देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू KTM ड्यूक 125। यामा MT125 में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, इंजन में इसमें आपको 124.7cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन मिलता है। पावर इस बाइक की आपको 15 HP की पावर जनरेट करेगा ये बाइक। टॉर्क इसमें आपको 11.5 Nm का टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएंगे। वेट इस बाइक का आपको 140 kg विद फ्यूल देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। सीट हाइट इस बाइक की 810 mm की है। अगर आपकी हाइट 5'4" है, आपको इस बाइक को राइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस बाइक की हम डिस्क साइज की बात करेंगे, फ्रंट डिस्क का साइज आपको 292 mm हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिलेगा। रेयर डिस्क का साइज आपको 220 mm हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा रेयर डिस्क में। अगर इस बाइक के हम सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं, रेयर सस्पेंशन में मोनोशॉक मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, इस बाइक में आपको सेम फीचर देखने को मिलेंगे जो आपको यामा MT15 में ऑफर किए जाते हैं, इस बाइक में भी आपको सेम फीचर मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको फुली LED DRL हेडलाइट देखने को मिल जाएगी विद प्रोजेक्टर हेडलाइट, एंड इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा। इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको लिक्विड कूल मिलती है, एंड इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। अगर इस बाइक के हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलती है। एवरेज इस बाइक की सिटी में ये बाइक आपको 47 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अपील करेगा यंग एंड न्यू राइडर्स को, एंड इसमें आपको यूनिक लुक्स देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको अपडेटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस बाइक का ओवरऑल वेट काफ़ी कम रहने वाला है, तो अगर आप इस बाइक को सिटी राइड में यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बाइक रहेगा, और ये बाइक आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन देगा। एज सच इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होते, एंड इसमें आपको एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम टोटल कलर्स की बात करें, 3 colors देखने को मिलेंगे इसमें आपको। फर्स्ट कलर इसमें आपको स्ट्रोम फ्लू कलर देखने को मिलेगा। सेकंड कलर इसमें आपको आइकन ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। थर्ड कलर इसमें आपको मैट ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। अगर इस बाइक की हम प्राइस की बात करें, इसका प्राइस आपको एक्सपेक्टेड 1,20,000 एक्सशोरूम देखने को मिलेगा, एंड इस बाइक का लॉन्च आपको अप्रैल 2021 में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।